नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 25 सितंबर 2020 है। 25 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 57,37,204 हो गया। इनमें से 46,74,346 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 91,204 हो गई। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,74,266 हो गई। इनमें से 1,59,700 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। अभी मात्र 13,687 मरीज बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी है। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को दुनिया के लिए नजीर बताया गया है। बड़ी खबरों में बिहार के 3 मजदूरों की पंजाब में मकान की छत में दबकर हुई मौत है। मृतक सभी मजदूर अररिया जिले के सिकटी के हैं। मजदूरों की मौत पटियाला के डेरा बस्ती में हुई। तीनों मजदूर वहां निर्माणाधीन मकान के छत का प्लास्टर करने की तैयारी कर रहे थे कि छज्जा इनके ही ऊपर गिर गया। जब तक इन लोगों को बचाया जाता तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में बटोही सरदार, रमेश सरदार और गोपीचंद सरदार हैं। ये लोग कोरोना के समय सरकारी यात्रा व्यवस्था के तहत घर आ गए थे। 2 माह पूर्व फिर से ठेकेदार इन्हें लेकर चले गए थे। वहां वे सब दिन प्रदेश में ही रहकर काम करते थे। बेतिया के चनपटिया विधायक एवं उनके 2 बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर बिहार में गत 24 घंटे के दौरान 1,71,046 सैंपल की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 1,203 नए संक्रमित मिले हैं। आज यानी 25 सितंबर से सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 6ठे में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। बिहार में अमीन के 40 पदों के लिए वैकेंसी आई है। योग्यता 12वीं पास है। आवेदन 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक भरा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होगा। उम्र सीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष है। महिलाओं को 3 वर्ष तक उम्र सीमा में छूट है। किसान बिल आंदोलन को लेकर रेलवे हाई अलर्ट है। कहा गया है कि आंदोलन के दौरान रेलवे और ट्रेन को आंदोलनकारी निशाना बना सकते हैं। रेलवे ने रेलवे सुरक्षा कर्मियों को चौकस रहने का निर्देश दिया है। भोजपुर के अखगांव बाईपास पर एक बाइक सवार एसटीएफ के जवान को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम अमित कुमार गुप्ता था। वह मूल रूप से पंडुरा गांव का रहने वाला बताया गया। पूर्णिया शहर से सटे बेलोड़ी पुल के नीचे बाईपास को जोड़ने वाली मोड़ पर जेब्रा क्रॉसिंग और पुलिस प्रतिनियुक्ति की मांग कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार शाह ने की है। उन्होंने कहा कि वहां तीव्र मोड़ है, अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। पटना के बेउर जेल में 3 बदमाश कैदियों के बीच किसी बात को लेकर कुछ देर लात घूंसे चले, जिसे जेल पुलिस ने तुरंत शांत कराया। इनमें से 3 को सेल में बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर आ रही एक लग्जरी वाहन से बिहार के गोपालगंज पुलिस ने 266 बोतल शराब बरामद किया है। लग्जरी कार पर सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी गिरफ्तार युवक सुपौल जिले के बताए गए। लगातार हो रही बारिश से सुल्तानगंज स्थित बड़वा बांध टूट गया। दर्जनों एकड़ की धान डूब गई। कई घरों में पानी घुस गया है। इसकी सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग ने निरीक्षण किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शीघ्र ही होगा। इसके लिए दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। पटना के राजेंद्र पथ के पास एक होटल से शराब सिंडिकेट चलाने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से शराब और रुपये मिले हैं। पूछताछ चल रही है, बड़े खुलासे की संभावना है। शराब का अवैध कारोबार का विरोध करना अररिया जिले के मानिकपुर के विपिन ऋषिदेव को काफी महंगा पड़ा। शराब के कारोबारी ने उसकी हत्या लाठी से पीट पीट कर दी। आरोपी का नाम परमानंद ऋषि है। उसे उसके ससुराल जलालगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। खगड़िया जिले के जयप्रकाश नगर मोहल्ले में कोडीन युक्त कप सिरप के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 365 बोतल कप सिरप मिला है। किशनगंज जिले में नगर स्टेशन रोड, मछली हट्टा एवं हॉस्पिटल चौक का अतिक्रमण बुलडोजर चलाकर हटाया गया। मुंगेर के फरदा गांव के ऑटो चालक संतू कुमार को पुलिस ने 120 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया से हमारे संवाददाता ब्रजेश गोस्वामी ने खबर दी है कि लगातार हो रही वर्षा से
पूर्णिया शहर में पानी जमा हुआ है। खेतों में भी लबालब पानी से धान की फसलें प्रभावित हैं। इस बीच खबर है कि माफा पेट्रोल पंप और मिल्की गांव के बीच हाई टेंशन बिजली तार बिजली पोल से ही इस कदर झुक गया है कि लोग डरे हुए हैं। वहां के लोगों को डर है कि वर्षा के इस मौसम में यदि तार गिर जाएगा तो संकट खड़ा हो जाएगा। इधर हमारे मोतिहारी संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि मोतिहारी में चुनाव की तैयारियों में विभिन्न पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में चिरिया के भाजपा विधायक लाल बाबू प्रसाद ने क्षेत्र भ्रमण शुरू कर दिया है। बक्सर के करहसी में एक भूंजा बेचने वाले को हमलावरों ने छुरा घोंप दिया। उसका नाम पप्पू शाह है। गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए भेजा गया है। वह नया बाजार का रहने वाला बताया गया। अब खबरें राजनीतिक गलियारों की। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पार्टी जाप ने आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। जारी प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से उन्होंने वायदों की झड़ी लगा दी है। प्रतिज्ञा पत्र जारी करने के बाद उन्होंने बिहार वासियों से अपना वादा पूरा करने के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त मांगा और कहा कि दो नेताओं को 30 साल दिया, हमें सिर्फ 3 साल दीजिए। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में बिहार को विकसित करने, रोजगार उन्मुख करने और अपराध मुक्त बनाने की शपथ ली है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि बिहार में जाप की सरकार बनी तो सभी वर्गों से एक एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। राजद का आज धरना चल रहा है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित की जा रही है। यह धरना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि बिल के विरोध में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी है। कृषि बिल का पास होना किसानों के हाथों को काटने जैसा है। इससे किसानों को फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ बिचौलियों और कॉरपोरेट को होगा। केंद्र सरकार के कृषि बिल का कांग्रेस ने भी विरोध किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि सरकार नए कानून की मदद से किसानों के खेत को चहेती कंपनियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। कहा गया कि बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार टिकट बंटवारे में भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो देगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने वर्चुअल बैठक को संबोधित कर यह कहा। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए टिकट बंटवारे में प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ता की ही मर्जी से होगा। देश के जाने माने राजनीतिक हस्ती और समाजवादी नेता शरद यादव की सेहत बिगड़ गई है। उन्हें किडनी संबंधी बीमारी हो गई है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि वे इतने कमजोर हैं कि बोल भी नहीं पाते हैं। अब खबरें मौसम की। पटना सहित बिहार के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में 29 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवाओं के भी आसार बताए गए हैं। मौसम विभाग का आकलन है कि बंगाल की खाड़ी से बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश होकर निम्न वायुदाब की पट्टी बनी हुई है। ऐसे में वर्षा के साथ साथ तूफान की भी आशंका जताई गई है। इस दौरान लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। इस बीच नेपाल और नेपाल से सटे भारत के तराई प्रदेशों में वर्षा के पानी से सभी नदियां लबालब हो गई हैं। अधिकांश नदियों में उफान का नजारा है। नदियों के आसपास के गांवों में बसे लोगों में बाढ़ का भय समाने लगा है। इस बीच आपको बता दें कि सीमांचल के अररिया, मधेपुरा और किशनगंज के कई गांवों में बरसात का पानी बाढ़ का रूप लेकर प्रवेश कर चुका है। अंत में आज का सवाल। सुशांत प्रकरण की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती मुंबई के किस जेल में है? कमेंट कर यह जवाब जरूर दें। यह थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब।